जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज अखंड भारत में। पंजाब में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है और इसी में ही ये ताजा मामला जो आया है होशियारपुर के मुकेरियां से, जहां महाराणा प्रताप चौक पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो को खंडित किया गया और महाराणा प्रताप का फ्लैक्स बैनर भी फाड़ कर फेंक दिया गया। पिछले दिनों हमने देखा जगराओं के शिवाला मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपत्तिजनक शब्द लिखने के जुर्म में एक सिख व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके दो दिन बाद ही मुकेरियां वाली ये घटना सामने आती है और हिंदुओं में इस घटना को लेकर काफी रोष है, जहां पुलिस ने घटना पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। वहीं शिवसेना पंजाब के मिक्की पंडित और उत्तर भारत युवा प्रधान शिवम वैद्य ने प्रशासन को दो दिन की मोहलत दी है, अन्यथा विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। जो मकेरिया दे विच महाराणा प्रताप चौंक दे विच महाराणा प्रताप जी की फोटो नूं खंडित किया गया, साडे देवी देवते दीआं फोटोआं नूं इत्थे मोड़ मरोड़ के किया गया, इह बहुत निंदणीय आ कि प्रशासन नूं होर जोर अपील करदे आ कि जेकर जल्द तों जल्द प्रशासन ने इह बंदे नहीं फड़े ते आपां शिवसेना पंजाब दी पूरन टीम पंजाब पद्धर दी टीम साडे राजनीति दे हक्क सचिव कनौली जी दी दिशा निर्देश विच आपां मकेरिया शहर दा घराव करांगे ते इस पूरे मेन हाईवे नूं जाम लावांगे, क्योंकि पिछली वार वी ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का खेल पंजाब में लगातार चल रहा है, चाहे वो पंजाबी सिंगर हो, चाहे ये ऐसी घटनाएं हो। प्रशासन को चाहिए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे से कोई ऐसी गलती दोबारा ना कर सके। देखते रहिए न्यूज़ अखंड भारत। जय हिंद दोस्तों।